क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? साकिब का आया है 10 में 8 और साकिब का आया है 10 में 4। ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज बच्चों लोगों का मैथ का टेस्ट है, तो देखते हैं कि कौन बच्चा कितना मार्क्स लेके आता है। कल जो हम लोग पढ़े थे उससे संबंधित 10 टॉपिक थे, ठीक है? तो आप लोग बना लिए ना? यस सर। अब दूसरे कॉपी एक्सचेंज हो गया है, क्रॉस चेक करना, ठीक है? यस सर। सबसे पहला प्रश्न क्या है? क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? यस सर। इसका जवाब होगा हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। इसमें किसी को डाउट है सर? कैसे हो? हाँ, कैसे होगा, ठीक है। जीरो को परिमेय संख्या मतलब हम उसको पी बाय की के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं? तो मान लीजिए जीरो को हम मान लीजिए डिनोमिनेटर, इसको मान लीजिए डिनोमिनेटर, इसका मान देता हूँ क्या जीरो, क्या दिक्कत है? क्यों का मान जीरो के बराबर नहीं ना है? नहीं सर। तो भिन्न में बदल गया ना? यस सर। इसका मतलब तो जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर है सबको? बढ़िया, थोड़ा सा घुमा के था ना? तो जीरो के नीचे वाला जो क्यू का मान होगा वो जीरो नहीं होगा, यही ना? यस सर। लेकिन यहाँ बात है, जीरो को क्या परिमेय के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते कि नहीं? लिख सकते। तो इसको इसके नीचे एक मान लिए, हो गया परिमेय संख्या। और फिर मान कितना आ गया? जीरो आ गया। फिर जीरो को परिमेय बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। अगला देखिए, दो को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इसका जवाब होगा हाँ। चलिए आगे देखते हैं। अरे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्या सम संख्या का योग, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, क्या सम संख्या का योग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगी? नहीं नहीं होगी, कभी भी नहीं होती है। कभी भी सम संख्या को अगर जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए, अगर 2+2 करेंगे तो इक्वल टू आएगा 4। और 4 क्या है? सम संख्या, सम संख्या है। 6+4 करेंगे तो आएगा 10, सम संख्या है। आया समझ में? तो कभी भी सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या ही होता है। क्लियर है सबको? ठीक है। ए लड़का, हिंदी में बात करो, गलती होता हूँ तो। 4 नंबर में है सर जी। अब आते हैं 4 नंबर पे, ठीक है? क्या दो विषम संख्या का योग, योग मतलब वही जोड़, करने पर सम संख्या प्राप्त होगी? यस सर। हाँ यस सर। नहीं नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? 7+7=14 हो गया। 7+7=14 हो गया, पहले विषम था बाद में सम हो गया। यस सर, सही है, गलत। 3 क्या है? 3 विषम है और 5 भी विषम है, दोनों को जोड़ दिए तो 8 हो गया। 8 क्या हो गया? आठ क्या आ गया सर? सम हो गया ना? यानी दो विषम संख्याओं का योग जो संख्या प्राप्त होगा क्या होगा? सम होगा। क्लियर सबको? अब कोई डाउट नहीं ना है? सर हम सही लिखे लेकिन गलत बोला गया। अच्छा, कोई बात नहीं, एक ट्रिकी सवाल था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर में है, क्या √2 एक परिमेय संख्या है? नहीं। तो √2 परिमेय संख्या नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है? अगला देखते हैं। मैं ऐसा ही है। गलत। बढ़िया, 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल है, जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो। अपवर्तक का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम 6 मान लेते हैं तो 6 किन किन संख्याओं से भागा जा रहा है? 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पर क्या है, इसका कई गो अपवर्तक हो गया? 1, 2, 3, 4। 4 इसका अपवर्तक हो, यानी ये 4 संख्याओं से भागा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ बोल रहा है जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो, यानी केवल 2 ही अपवर्तक होगा, बाकी तीसरा अपवर्तक नहीं होगा, किसी तीसरी संख्या से भागा नहीं जाएगा। 11 होगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर अकृतिक संख्या, वेरी गुड। अभाज्य संख्या, वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसके केवल 2 अपवर्तक होते हैं, 1 और खुद। या तो 1 से विभाजित होगा या तो खुद से विभाजित होगा। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अब आते हैं 7 नंबर पे।
दो से अधिक अपवर्तक वाले संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के एक से दो से ज्यादा अपवर्तक होते हैं, यानी वो एक से भी भागा जाएगा, खुद से भी भागा जाएगा और अन्य संख्याओं से भी भागा जाएगा। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण को बताया, छह का एक है, दो है, तीन है और संख्या। हाँ गलत होगा, आपको लिखना है भाज्य या अभाज्य। ठीक है, तो सात नंबर क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं आठ नंबर में। दो ऋणात्मक संख्याओं का योग से प्राप्त संख्या कैसी संख्या होगी? यानी दो ऋणात्मक संख्या को अगर हम जोड़ देंगे, योग मतलब जोड़ना, जो दो ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे तो जो संख्या मिलेगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर इसको समझना है तो ऐसे समझिए, माइनस दो क्या है? एक ऋणात्मक संख्या है और इसको जोड़ना है किसमें? माइनस दो में। दोनों को जोड़ना है ना, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, इसको क्या करना है? इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है और यहाँ पर पहले से माइनस टू है। ठीक है, तो दोनों ही संख्या ऋणात्मक है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या होगा प्लस में? माइनस फोर ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दो ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी ऋणात्मक ही होगी। क्लियर है? यस सर। नो डाउट। अदित्य, ठीक है, आगे देखते हैं। नौ नंबर में है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल से प्राप्त संख्या कैसी होगी? जी सर। दो ऋणात्मक संख्याओं के गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, गुणा करने के बाद जो गुणनफल निकलेगा वो कैसी संख्या होगी? ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी? धनात्मक होगी। धनात्मक। वेरी गुड, वेरी गुड। अब धनात्मक कैसे होगा इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। माइनस टू है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? माइनस टू से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई किए तो टू टू जा फोर हो गया और माइनस से माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यानी जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी। दस नंबर है, चार यौगिक संख्याओं का उदाहरण लिखो। यौगिक संख्या का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का उदाहरण क्या होगा? चार, छ, आठ, दस, बारह। तो आपको चार ठो लिखना था। दो चार छ दो कैसे हो जाएगा? सही नहीं होगा, गलत होगा। कंपोजिट का मतलब है जिसका दो से ज्यादा अपवर्तक हो, तो दो का तो दो अपवर्तक नहीं ना होगा ज्यादा। खाली आठ लिखा। कहाँ से चार को पूछा है? चार आपसे पूछा गया, चार ठो लिखना है, चार ठो। अब केवल आठ लिखिए तो नंबर कटेगा। हाँ, अब नंबर आपको बैठाना है। तो दस में आप लोगों को कितना नंबर मिला? साक्षी का आया है दस में पांच। चलिए, तैयारी इसका मतलब गड़बड़ है। दस में दो आया है सलमान खान का। आकिब का आया है दस में आठ और साकिब का आया है दस में चार। ठीक है, आदित्य तुम्हारा देखें, आदित्य का आया है दस में चार, दस में चार आया है। चलिए, तो गाइस सुबह के बैच के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और कल उनका बायोलॉजी का चैप्टर वन यानी कोशिका चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आज का ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस ब्लॉग वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।